नमस्कार, आज आपको लेकर आई हूँ मैं गोभी का सब्जी, लेकिन अलग तरीका का है। गोभी तो आप हर तरीके खाए होंगे, लेकिन कुछ अलग हटकर है। अब इसको देखिएगा तो पता चल जाएगा कैसे बना है। बहुत टेस्टी लगता है खाने में, किसी के साथ खाइएगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा खाने में। सब्जी बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा गोभी है उसको फूल तोड़ दिया छोटा छोटा पीस में, उसको धोकर अब मैंने बैठा दिएगा इस पर एक पतीला। उसमें डाल देंगे आधा लीटर पानी, गर्म हो जाएगा पानी थोड़ा सा, तो उसमें डाल दीजिए गोभी थोड़ा सा, इसमें उबाल आ जाएगा थोड़ा सा, सॉफ्ट हो जाएगा गोभी तो अच्छा बनेगा। थोड़ा सा ज़्यादा इसको मतलब कि उबालना नहीं है, खाली गर्म पानी में जो है इसमें ना सॉफ्ट करना है। इसको अच्छे से मैंने चुन लिया है धो धाकर बढ़िया से। अब इसको थोड़ा सा देखो पानी में थोड़ा सा खाली गर्म सॉफ्ट हुआ ना, मैं इसको निकाल दिया। इसमें खौलाया नहीं है, नहीं इसको पकाया है, खाली 5 मिनट के लिए छोड़ दो ऐसे गर्म पानी में करके। अब मैंने इसको निकाल लिया है एक बर्तन में, दूसरा बर्तन में। अब इसमें कुछ हम मसाले ऐड करेंगे कुछ सामान, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तब डालिएगा। इसमें हम डालेंगे ये बेसन वाली गोभी का सब्ज़ी है, इसमें हम 2 चम्मच डाल देंगे बेसन, ज़्यादा नहीं डालना है, 2 ही चम्मच डालिएगा अपने हिसाब से, देख लीजिए आपका जैसा होगा। 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काली मिर्च, नहीं तो काली मिर्च नहीं इतना तो सब्जी मसाला हो तो वो भी डाल दीजिए। डाल के इसको थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल डाल दीजिए, अब इसको हाथ से चला लीजिए। मैंने कोटिंग करना है अंदर अंदर गोभी में, मसाला नमक तेल सब पहुंचाना है चारों ओर से, अंदर फ्लेवर चल जाएगा। इसी तरह से हाथ से इसको मिला लीजिए चारों ओर से, देख रहे हैं ना जिसे मैं मिला रही हूँ। जिसका पसंद नहीं होगा ना गोभी खाना, वो भी पसंद करेंगे ये सब्ज़ी, ऐसा लाजवाब सब्ज़ी है। खास करके बच्चों को तो ज़्यादा पसंद नहीं होता है गोभी का सब्जी, तो खा लेंगे। इसको ढककर छोड़ दिए 5 मिनट के लिए। अब हम ले लेंगे 1 कटोरी दही है, आधा कटोरी, और दही मीठा होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा दही नहीं चाहिए। उसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच, 1 चम्मच बड़ा चम्मच से बेसन, छोटी चम्मच से हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा पाउडर है, काली मिर्च जीरा पाउडर छोटा सा चम्मच है मेरा, 1 चम्मच बड़ा चम्मच से 1 चम्मच धनिया। ऐसे सभी को अच्छी तरह से मिला दीजिए, कुछ भूंजा वूंजा नहीं है, बेसन भी ऐसा ही है। इसको मिला लीजिए दही में, माने गुठली नहीं होना चाहिए इसको, एकदम परफेक्ट इसको फेंट दीजिए, एकदम अच्छा मिला कर इसको रख दीजिए। अच्छा तरह से मिल जाएगा ना तो छोड़ दीजिएगा। इसको चम्मच से मैंने मिला लिया है। अब गैस पर बैठा दिए कढ़ाई, उसमें हम डाल देंगे तेल, और तेल जब गर्म हो जाएगा ना तो ही गोभी डाल दीजिए जो मिलाया था वो बेसन वसन वही। इसको 5 मिनट तक इसको फ्राई कीजिए, 5 मिनट टाइम लग जाएगा इसको फ्राई करने में। इसको चलाते रहिए बीच बीच में, बेसन है तो कुछ सट जाए कढ़ाई में तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में सब निकल जाता है। देखिए मेरा गोभी भुंजा गया अच्छा तरह से, अब मैं निकाल रही हूँ इसको। बेसन की वजह से थोड़ा सा सॉफ्ट है ना, उससे क्राइम थोड़ा सा सट गया तो उसे कोई मसाला भूजेंगे तो उसमें सारे निकल जाएंगे। और जो तेल बचा है ना उसी तेल में हम डाल देंगे प्याज, पहले जीरा डालेंगे थोड़ा सा, जीरा उसके बाद प्याज डालेंगे, थोड़ा सा हरी मिर्च है और थोड़ा सा लहसुन का कली छोटे छोटे पीसेज में से ही मैंने काट लिया है, ये मुझे ज़्यादा पसंद आता है। जो बेसन सट गया ना वो देखे थोड़ा सा कढ़ाई में चिपक गया है, तो प्याज जो भुंजेगा ना तो सारा निकल जाएगा। अब प्याज को भुंजना है, थोड़ा सा लाल तरह का कर दीजिएगा, गोल्डन हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा सुनहरा हो गया ना, अब उसमें हम डाल देंगे छोटा छोटा साइज़ का 2-3 टमाटर, इसको हम फ्राई करेंगे
खूब अच्छा तरह से, इसमें जितना पानी हो ना सब निकल जाएगा फ्राई करके। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, इसको भूजेंगे। बहुत टेस्टी सब्जी है। अब जो दही में जो मसाला डाला था ना वही मसाला है, इसको डालकर इसको अब इसको भूंजिएगा, खूब अच्छा तरह से भूंजिएगा। इस जब तक से इसमें से तेल नहीं निकल जाए तब तक इसको भूंजिएगा। तेल छोड़ गया तब तक इसको फ्राई होगा, भूंजना होगा। थोड़ा सा धो कर धाकर मैंने पानी डाल दिया है, अच्छा तरह से मसाला भून जाए। चलाते रहिए इसको, भूजते रहिए। अब इसमें हम डाल देंगे सब्जी मसाला है एक चम्मच, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे क्या होता है थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है। चाहे तो आप डाल लीजिए, नहीं चाहे तो नहीं भी डाल सकते हो, वो आपका मर्जी है, उससे कुछ नहीं होता है। खड़ी कलर थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है कश्मीरी लाल मिर्च से, और कुछ उसमें अंतर नहीं होगा। देखो चलाते रहिए। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मटर, हरा मटर अभी मार्केट में मिले वही मटर है, ज़्यादा मटर थोड़ा सा मटर मैंने डाल दिया इसमें। इसको साथ में मसाले के साथ में इसको भून लीजिए, तो चलाते रहिए, भूनते रहिए जब तक इसमें से तेल न छोड़ेगा तब तक इसको भूनते रहिए। भूनने में कम से 5-7 मिनट लग जाता है आराम से। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, हमारे कढ़ाई में तेल छोड़ दिया था। अब इसका अपना, लेकिन गाढ़ी सब्जी ज़्यादा बनता है, पतीला सब्जी नहीं बनता है। बेसन वाली गोभी का सब्जी ज़्यादा गाढ़ी बनती है। खाने में इतना अच्छा लगता है ना, रोटी के साथ हो पराठे के साथ खाओ, जो भी मन करे जो चीज़ के साथ में खाइएगा ना, इतना अच्छा लगेगा ना कह कह के। अब इसमें हम डाल देंगे गोभी, जो रखा था ना वही गोभी है। और थाली जो उसमें तेल लगा था धोकर उसमें पानी डाल दीजिए कि जियान ना हो जाए। अब इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा खाने में भी। एक चम्मच छोटी चम्मच इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। ये चला कर इसको तोप दीजिए। देखिए मेरा सब्जी बनकर तैयार हो गया ना, कितना टेस्टी लग रहा है ना। मन कर मुँह में से पानी आ गया, कभी काले देर किस करना है क्या, फटाफट गोभी मिल रहा है, लाओ बनाओ खाओ एंजॉय करो। वीडियो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।